देखा तुम? Well, I'm sorry, Mohit. हजार कोशिशों के बावजूद भी मैं मिंटू को वापस नहीं ला सका। तुम हजार कोशिश के बावजूद भी सच्चाई मुझसे नहीं छुपा सकते रहे। मोनिका, सच्चाई तो यह है कि मिंटू घर से हम दोनों की लड़ाई की वजह से बाहर है और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक हम दोनों सुलह नहीं कर लेते। सच्चाई तो यही है कि तुमने ये पट्टी मिंटू को खुद बनाई। तुम जब चाहते हो वो आता है, तुम जब चाहते हो वो चला जाता है। ये क्या बकवास कर रही है? तो क्या 3 दिन पहले वो नहीं आया था? उसे मारिया लेकर आई थी पुलिस की मदद से। और मारिया को 10 लाख रुपए का चेक दिलवाने के बाद तुमने उसे फिर कहीं और भेज दिया? अरे मैंने मिंटू को कहीं नहीं भेजा, वो खुद गया। अगर उसे भागना ही था तो फिर वो आया ही क्यों? मैं बताती हूँ मैडम, फिर कोई नई कहानी? नहीं मैडम, ये सच है। मिट्टू ने मुझसे कहा था कि वो दीवान जी को गिरफ्तार करवाने के बाद भाग जाएगा, लेकिन वो मेरे साथ इसीलिए आया कि मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए। शोर तुमने ले लिए और उसके बाद मिट्टू को कहीं छुपा दिया। तुम क्यों हाँ हाँ इस बेचारी से उलझ रही हो? मैं जानती हूँ ये कितनी बेचारी है। तुमने जिंदगी में तो कभी अमीर बनने की कोशिश की नहीं, लेकिन इसने तुम्हें सिखा दिया कि तुम इसे कैसे अमीर बनाओ। 2 दिन में तुमने मेरे 10 लाख रुपए ऐसे दिलवा दिए? उस वक्त तो मैं वहां था भी नहीं जब कॉल ने इसे चेक दिया। इंस्पेक्टर कॉल को तुमने कितना पैसे दिया? मैं इंसानों को खरीदने और बेचने का बिजनेस नहीं करता हूं। उसका तो साक्षात सबूत तुम्हारे सामने खड़ा है। Then I'm not interested. You may leave, please. मैं यहां से बिल्कुल नहीं जाऊंगा जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाए।